सो हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, वीरों की धरती, शहीदों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश से मैं योद्धा पीएस आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको बता दें कि इस वक्त मैं कौन सा गांव है, उड़ासर सहदेवाभर, उड़ेसरा सहदेवाभार है, जो अपने बलिया जिला में ही पड़ता है। और यहां से सुबह से मुझे कॉल आ रही थी, मैं थोड़ा ड्यूटी पे था। आपने जानते हैं कि आप लोगों की सेवा तभी कर पाएंगे जब नौकरी करेंगे कहीं, तभी तो अपनी जीविका के लिए नौकरी भी करता हूं दोस्तों। और उसमें थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आने में, सभी लोग परेशान थे, लेकिन उस बेजुबान को बचाने के लिए, जीव को बचाने के लिए, ये लोग जो अपना नल लगा होता है पानी के साधन के लिए, उसमें ही फंसा हुआ है वो कहीं पाइप में स्नैक, और ये लोग तब से परेशान थे, लेकिन उसको मारे नहीं और मेरा इंतजार किया, उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। निकालते हैं, बताते हैं कौन सा सांप है। आप लोग पहचानते हैं सांप को, कौन सा सांप है? गेहुआ है। सो दोस्तों, देखते हैं उसको, निकालते हैं और बताते हैं। आइए साथ बने रहिए। आवा आवा सब आवा। हाँ, रख दीजिए। बल जीतो वाले ले रहे हो जी? आई इसी में है, एक बाल्टी जाता है, उधर से भी बंद है साहब। हटा हटा मरका जी, हटा तू लामा हटा। इसी में है? हाँ, वो इधर ही का है। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये उधर कहाँ, इसका रास्ता है बाहर है, उधर रास्ता है, देखिए। अच्छा, मतलब यहाँ से करेंगे तो बाहर निकल जाएगा जी। अब देखिए जैसे भी है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप इधर आइए। सो फ्रेंड्स, देखिए कितने लोग जागरूक हो चुके हैं, और मैं सबका, घर वालों का धन्यवाद देता हूँ कि इस बेजुबान को बचाने के लिए लोग इतना इंतजार किए, और सब लोग पानी के लिए परेशान थे, लेकिन फिर भी इस बेजुबान को बचाने के लिए हमारा इंतजार किया। और हमें लग रहा है 3.5-4 घंटा हो गया मुझे आने के लिए, उसके पहले ही कॉल आया था मेरे पास। और इसको निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन सा स्नैक है। अरे हंगामे, अरे भागे, बड़ा है छोटा है? बड़ा है, बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। एक लोग वहाँ देखते रहिए सामने, उधर रख दिया, उधर खा कर ले। हाय भगत, उधर पानी गिराना पड़ेगा, निकाले हटा और कर। टार्च नहीं है ना, टार्च लाइए तो, टार्च लाओ ना, टार्च हटा और का जी। तू सामानों से हटा ना, तू लामा हटा, लामा हटा। है साहब? हाँ, इसी में है। और उधर से पानी थोड़ा गिरवाइए। हाय, देखा पहले ही लग ले, बड़ा छोटा नहीं, जो होगा आप लोग के सामने ही होगा। और पानी उधर से गिराया जाए थोड़ा, बोरिया है उधर डाली हुई है पानी का, बोरा लगाया उधर, उसको निकाल दिए, बोरे को निकाल दिए, डरिए नहीं। नहीं नहीं, तो निकल के उधर घर में चला जाए, पानी डालेंगे, इधर आएगा, इधर ढलान है ना, उधर ही का मुंह है ना। नहीं नहीं, मुंह से नहीं, वो तो रोटेट हो जाता है, घूम जाता है। हो जाए, सजग रहे तो लाठी लेके हो ना, आई मोबाइल बनो तो मरवा दे ले। तो दोस्तों, देखिए कितना, अब ठंडी का मौसम है, मैं तो थोड़ा सा इधर बीच फ्री भी हो गया था, और रेस्क्यू नहीं आ रहे थे कॉल, सभी जीव अपना इधर उधर छिप गए थे। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे मेरे चैनल पे रेस्क्यू का, क्योंकि नहीं आ रहा था रेस्क्यू, अच्छा है। लेकिन अचानक अभी 2 रेस्क्यू आ गए हैं, अभी एक जगह और कहीं जाना है, देखते हैं कैसा है वहाँ। और किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों, यदि आप लोगों को अपना, हमारा काम अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि लोग जागरूक हो और किसी के साथ कोई घटना ना हो। हाँ, पानी गिराइए। बहुत फूकत है दिनेश भैया, बोल दिया उन्हें।
हटो हो हटो लामा हटो दे सुअर लामा। अरे हमको डर लगता है सर। हाँ है तो सर विश्वास तो है। हाँ से पकड़ेंगे उसको। री सर फूको तो साई साई री। धीरे धीरे डंडे को पीछे करके फिर धीरे धीरे आगे करें। बोलता भैया को बोलता वहाँ पर आएगा तो आएगा ही नहीं। फूको तो मुझे साई साई। देख तेरे फूको तो के तेरे भाग रे। हाँ सुनात नहीं थे। हटे सुबह हटे हटे भाग रे भाग रे भाग रे भाग रे भाग रे। रुके रुकिए साहब उसी पर रुकिए भाग रे। हम डरा निकालिए साहब निकालिए निकालिए। अरे दिखाइए सबके दिखाइए। अरे सबके दिखाइए ना उजा जमाती। अरे रुक ना रे तन हट। अरे मारा मार दो करी कानवा की जरिया। हट जो रे हट जो जितेंद्र। अरे इतना भीड़ हो गई बा फिर ऐजा लंगवा आवा तरी सर फूकत रह जा रहा है उधर पब्लिक है का पानी हाथ पर गिरा अरे हट रे बाबू हट तो अनिक हम मोबाइल ना ले पकड़े बन तब तो अगवे बा जा अरे है तनी पिछवा हटा सर अबे निकली ना सब डंटा चाहिए क्या पतला वाला ए उमेश दे देबे रे आगे लागे लागे हटा हटा साहब साहब थोड़ा पीछे लेकर चलिए तो। हाँ बस सब बोलिए सर। अरे साहब हमको डर लग रहा है। दूसरे किसी दूसरे को दे दिए नहीं नहीं दूसरे को नहीं थोड़ा दूर रखिएगा। चलिए आइए पीछे लेकर द्वार पे चलिए ना हटा हटा। हाँ नजदीक के बात में आइए आइए लेकर आइए एक साइड हो जाइए इसी रूम में एक साइड हो जाइए सामने आप इधर आ जाइए। अरे भागा आप इधर इधर बैठिए ना इधर इधर क्लियर नहीं आएगा आप इधर हो जाइए मैं इधर हो जा रहा हूँ ठीक नहीं नहीं यही रहिए ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखिए छोड़ा ना देखिए हम ना कुछ आप लोगों की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि ये इसी को आप लोग गेहुअन नाग खटार बोलते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये यही आपका गेहुअन है और इसको इंग्लिश में स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं ठीक है स्पेक्टिकल्ड कोबरा और साइंटिफिक नेम जिस नाम से विज्ञान जानता है देश विदेश जानता है साइंस जानता है इसका नाम नाजा नाजा है और ना जाना जा दली ए मारा रुको ना दली आइए इधर आइए ना ना साहब पीले वाली दारू राय दी जानकारी लीजिए चाचा ठीक है जानकारी तो नहीं है लेकिन धो के काट लेगा नहीं तो काटना नहीं चाहिए। देखिए सबसे बड़ी जानकारी है कि ये जीव है जब तक इसको आप दबाएंगे नहीं छेड़ेंगे नहीं हानि नहीं पहुंचाएगा ये ठीक है। जब ये दबता है रात के अंधेरे में बिना टॉर्च वॉर्च के हम लोग इधर उधर जाते हैं जब दब जाता है तभी काटता है ये नहीं तो ये भी अपना रास्ता देखता है इधर उधर और ये चूहे के लिए घरों में आ जाता है। हम लोगों के घरों में अनाज होता है अनाज के आसपास चूहे होते हैं और चूहे को खाने के लिए बेजुबान इधर उधर भटक जाता है नहीं तो इसका कोई काटना मकसद नहीं है जब तक ये दबेगा नहीं काटेगा। और सबसे बड़ी जानकारी है कि जब भी ये सांप आप लोगों को कभी
बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो किसी भी झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में मत जाइएगा आप लोग, अन्यथा मौत हो जाएगी। झाड़ फूक में ही मौत होती है। आप लोगों को काटता है तो तुरंत अपने सरकारी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचिए, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचिए जहां एंटीवेनम उपलब्ध हो, तो आप लोग की जान रक्षा हो जाएगी। और सोचिए जो काटने वाला, जो मारने वाला, वही बचाने वाला है, इसी के जहर से एंटीवेनम बनता है। वेनम मतलब जहर और एंटीवेनम बनता है जो जिससे आप ठीक होते हैं, वही जब इंजेक्शन लगता है तो आप लोग ठीक होते हैं। तो यही जानकारी की बात है और बहुत अच्छा हुआ दोस्तों। आपका क्या नाम है? रामनिवास। रामनिवास आपके घर में? दोस्तों रामनिवास जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस परिवार का कि इस बेजबान को बचाने के लिए लोग सुबह से परेशान थे, तीन चार घंटे से मुझे कॉल कर रहे थे और मैं थोड़ा बिजी था, आने में लेट लगा, लेकिन लोग इस पे कोई खतरा नहीं आने दिए, अपने इसको कवर किया रहा है। चोट लग गया। अच्छा क्या क्या हो गया आपको? उनके बचाते सुरक्षित रखने के लिए गिर गए थे। हाँ मैंने कि उधर कपड़ा कोई खोल देगा तो उधर भाग जाएगा, इसलिए इधर से मतलब आप देख रहे थे और उसको बचा रहे थे। हाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं चाचा जी, मतलब कि इनको मारना भी नहीं चाहिए ना इनको छेड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए बेशक, लेकिन मारना नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। यही देखिए ये सब सृष्टि में बनाए गए हैं, कुछ सोच समझ के प्रभु ने बनाया है। ऐसा नहीं कि चले जाओ तुम्हें कोई मारेगा। अभी आगे वाले समय में जो पैसा का दौर चल रहा है, आप लोग कहना नहीं चाहिए पब्लिक, लेकिन पैसे के दौर में सब लोग मारे जाएंगे। देखिएगा भाई भाई को मारेगा केवल जमीन के लिए और पैसे के लिए, तो ये फिर कहाँ। तो इसलिए मारना कहीं का वो नहीं है। और एक डब्बा दीजिए, मैं इसको पैक कर लेता हूँ। आगे से ध्यान दीजिएगा, सांप काटता है तो सीधे हॉस्पिटल, और कभी मारना नहीं है किसी भी बेजुबान को, चाहे वो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कोई भी हो। पकड़ा गुल बहु, हाँ अभी करना लेट में, ठंडी का मौसम है ना, थोड़ा सा सुस्त है, ठंडा लग गया। वीडियो बना के भेज तन, कहाँ बना दिनेश भाई, डाबा लिया हुआ ना, बंद है तो ठंडा नहीं लगेगा, फोट काट रहे हैं, देख ला जा फोटो काढ़ा था ना, देख ला दोस्तों आप लोग को काम अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, जीवों को बचाने में ऐसे ही सहयोग करिए। और हमारा चैनल है पीएस द योद्धा, या योद्धा पीएस डालेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। जैसे भी मतलब आप लोगों को खतरा दिखता है किसी जानवर से, या फिर किसी जानवर को आप लोगों से खतरा है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खतरा कोई नहीं, हमें हटा ना, हटा गर्दनिया में लपेट दो, खड़ा हो गई लाई तब तक ले ना रुकता है जा, ना काटी सुनील भैया वीडियो भेजता नहीं, दिनेश भैया अल्लाह बतियावा, सुनील भैया हट जा छोड़ दा, खोले रहे था, खुले रहे था। अरे रुको सर, खींच ला जा, खींचा खींचत रहा। देखिए कभी भी एक और निवेदन है कि कभी भी देख के कोई भी आज का नवयुवक ऐसा नहीं करेगा, ये एक मिनट में जान चली जाएगी, ये अपना अपना अनुभव है, हैंडलिंग का ट्रेनिंग है, नहीं तो कभी भी सही कह रहे हैं आप लोग कि हम लोग पकड़ेंगे तो खतरा है, तो बिल्कुल ये एक 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 सेकंड में खतरा हो जाएगा। अरे रुको, उनका भी थोड़ा वीडियो बना लीजिएगा भाई, हमारी वीडियो चल रही है, थोड़ा घूम के ले चल रही है। अरे हट रहे हट रहे, फोटो ले लो, अगर कलम में लपेटा। अरे रुको ना, ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से पैक हो चुका है। और चाचा जी इसके लिए हमको एक कोई सुआ वगैरह दे दिए, मैं छेद कर दूं, इसमें जगह बना दूं एयर के लिए, सांस लेता रहे। यही खाली वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारे कैमरामैन रामनिवास जी इस समय, चूंकि हमारे कैमरामैन साथ में नहीं थे, तो जिनके घर में आया हूँ वही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार और बोलते हैं कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी जीव को बचाते हुए, किस घर परिवार का प्रेम आशीर्वाद लेते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत। सुबह दे दीजिए।